चाकू से मत करो, मैंने कह दिया तो कह दिया। तुमने दहेज का 4,000 का इंतजाम नहीं किया, इसलिए शादी नहीं होगी। बारात वापस ले जाने से पहले मेरा सर काट दो। अरे तुम्हारा सर काटने का 1,000 में मिलते ना तो काट देता मैं। हाँ मैं तुम्हारे पाँव पर तो हूँ, मुझे माफ करना लाला। रुक जाओ, ठहरो लाला ठहरो। 4,000 रुपए में अपने बेटे को बेच रहे हो, कल थोड़े से ज्यादा पैसे मिल गए तो अपनी धरती माँ को भी बेच दोगे? दहेज दीमक होती है लाला, घर में बसने से पहले ही घर को खोखला कर देती है। तुम्हारी भी 6-6 बेटियां हैं, कल उनका दहेज देना पड़ेगा तुम्हें, जरा सोचो। मुझे माफ करना बेटे, मैं ये भूल गया था। राजू, अंग्रेज सिपाही हमारे पीछे लगे लाला, कहीं हमें छुपने की जगह मिल सकती है? आ, 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 आ। बात वापस मत ले जाओ, मुझे माफ करना, मैं मुझे जीते जी मत मारो। सुनो, तुम लोगों ने कोई लड़का लड़की तराते हुए देखा है? आप आइए साहब, इंसाफ कीजिए। दहेज का भाव इतना बढ़ता रहा तो हिंदुस्तान की तारीख की तारीख लग गई। हम इस दुला दुलन की बात नहीं कर रहे, हम अपनी बेटी रूबी और उस टांगे वाले राजू की बात कर रहे हैं। राजू टांगे वाले तुम्हारी गोली साहब, आप आ गए, आपकी बेटी आ गई, हमारे लिए तो धन भाग। अरे देखेगा अंदर मत जाओ, अंदर लड़की है। अब जाओ, कहाँ है रूबी? रूबी कहाँ है? रूबी आ नहीं है। इस तंबू में कोई नहीं है, मैं उस तंबू में देखता हूँ। सुन नहीं जाएगा साहब, साहब अंदर मत जाइए साहब, उधर दूल्हा है साहब।
मारो जब इसको, अपनी गोली जाया मत करो, इसे इसी दलदल में मरने दो। राजू! डरो नहीं राजू, अंदर तुम्हें सैकड़ों हिंदुस्तानी भाई मिलेंगे। राजू! बादल क्यों? कोरा के साया मार सके ना कोई, बाल नबा का कर सके